all viceroys of India 1858 to 1947 in a single video. नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्राउन रूल के अंदर यानी कि 1858 से लेकर 1947 तक इंडिया में अपॉइंट हुए हर एक वायसरॉयज के बारे में. इनके बारे में हम लोग एक डिटेल्ड स्टडी करेंगे और देख लेंगे प्रीवियस ईयर्स के कुछ एमसीक्यूज. हर बार की तरह वीडियोस को मैंने बहुत सारे स्लाइड्स में डिवाइड किया है. पहले हम सारे वायसरॉयज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, हर एक छोटी सी छोटी बात, छोटी सी छोटी डिटेल हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद रहेगा प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं. अगर आप लोगों ने हमारे ऑफिशियल चैनल अनऑफिशियल एस्पिरेंट्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने नॉलेज को एक बूस्ट दे दीजिए. तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, वीडियो शुरू करते हैं. वाइसरॉयज ऑफ इंडिया, लॉर्ड कैनिंग. लॉर्ड कैनिंग हमारे लास्ट गवर्नर जनरल थे, यानी कि कंपनी रूल के अंदर लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग थे, और 1858 में वही बन गए हमारे पहले वायसरॉय. ठीक है दोस्तों, उनके शासनकाल में दोस्तों प्रेसिडेंसीज ऑफ कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 1857 में यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश्ड हुए. आउटब्रेक ऑफ 1857 म्यूटिनी यानी कि सिपॉय म्यूटिनी की शुरुआत इनके शासनकाल में हुआ. क्वीन विक्टोरियस प्रोक्लेमेशन एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इनके शासनकाल में पास किया गया. ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू क्राउन, मैंने जैसा अभी बताया था 1858 के पहले दोस्तों कंपनी रूल था, और 1858 के बाद से दोस्तों क्राउन रूल शुरू हो गया. इनेक्टमेंट ऑफ इंडियन पेनल कोड इनके रीजन में हुआ. विथड्रॉल ऑफ डॉक्ट्रिन लैप्स इनके शासनकाल में हुआ. 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट और इनेक्टमेंट ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर इनके शासनकाल में शुरू हुआ. इन 1861 द इनेक्टमेंट ऑफ द इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट पब्लिश हुआ. अब दोस्तों बात कर लेंगे लॉर्ड एल्गिन वन के बारे में, जिन्होंने वहावी मूवमेंट को सप्रेस किया था, और 1862 में उनकी सडन डेथ की वजह से नाइपर और डेनिसन को 1862 से 1864 तक जिम्मेदारी सौंपी गई थी. जॉन लॉरेंस की बात करते हैं दोस्तों, इनके शासनकाल में वॉर विद भूटान हुआ था यानी कि 1865 में. मास्टरली इनएक्टिविटी पॉलिसी वॉज फॉलोड, पॉलिसी ऑन नॉन इंटरवेंशन विद अफगानिस्तान इनके रीजन में हुआ. लॉर्ड मायो की बात कर लेते हैं दोस्तों, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलेजेस, एडुकेशन एंड पॉलिटिकल ट्रेनिंग इन द इंडियन प्रिंसेस. राजकोट कॉलेज इन काथियावार एंड द मायो कॉलेज इन अजमेर इनके रीजन में इनके शासनकाल में इस्टेब्लिश किया गया था. ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया अंडर विलियम हंटर, फर्स्ट सेंसस इन 1871 एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स इन्हीं के रीजन में इन्हीं के शासनकाल में दोस्तों एस्टेब्लिश किया गया. फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस इन्हीं के वक्त पर शुरू हुआ था. 1872 में अ कॉन्विक्ट इन द आंदमान्स एसेसिनेटेड मायो, द ओनली वायसराय टू बी मर्डर्ड इन द ऑफिस. तो मायो ही ऐसे इकलौते वायसराय थे जिनको अपने ऑफिस में ही मर्डर किया गया था. आंदामान में इनको असेसिनेट किया गया था. लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट 1876 इन्हीं के शासनकाल में पास किया गया था. प्रिंस वॉलिस 1875 में इन्हीं के शासनकाल के दौरान विजिट किया था इंडिया. लॉर्ड लिटन की बात कर लेते हैं दोस्तों, इनको वाइसराय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर भी कहा जाता है. वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट 1878 इन्हीं के शासनकाल में पास किया गया था. द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वॉज ऑल्सो नोन एज गैगिंग एक्ट. इन 1878 अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट फेमिन कमीशन अंडर सर रिचर्ड स्टार्की. तो फिर ये दोस्तों आपको याद रखना है, फर्स्ट फेमिन कमीशन लॉर्ड लिटन के वक्त पर हुआ था.
जिसका चेयरमैन था सर रिचर्ड स्टार्की। आगे देखते हैं दोस्तों, सिविल सर्विस की एज लिमिट लॉर्ड लिटन ने 21 से 19 तक डिक्रीज कर दिया था। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड रिपन की बात कर लेते हैं दोस्तों, रिपेल द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1882, यानी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इन्होंने बंद कर दिया था। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881 इन्हीं के शासनकाल में पास हुआ था। सेकेंड सेंसस इनके शासनकाल में पास हुआ था 1881 में। इंट्रोडक्शन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत की थी 1882 में, इसीलिए इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। हंटर कमीशन 1882 में इन्हीं के रीजन में सेटअप किया गया था, अपॉइंट किया गया था एडुकेशन को रिव्यू करने के लिए। इल्बर्ट बिल पास हुआ था इन्हीं के शासनकाल में 1883 में। लॉर्ड डाफरिन की बात कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वायसराय है ये। इन्हीं के शासनकाल में दोस्तों INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश हुआ था 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा। उमेश चंद्र बनर्जी इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। बंगाल टिनेसी एक्ट पास हुआ था 1885 में। थर्ड एंग्लो ब्राह्मीज वॉर, किंग थीबो ऑफ बर्मा वॉज डिपोजिट टू रत्नागिरी फोर्ट महाराष्ट्र। एक्टिंसन कमिटी इन्हीं के रीजन में कंस्टिट्यूट हुआ था। लॉर्ड लैंसडाउन की बात कर लेते हैं दोस्तों, 1891 में सेकेंड फैक्ट्री एक्ट पास हुआ था। 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट पास हुआ था। दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेने हैं, ये सारी चीज़ें एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन में भी आते हैं कि सेकेंड फैक्ट्री एक्ट कब पास हुआ था या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट कब पास हुआ था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों एग्जाम में। अपॉइंटमेंट ऑफ डूरन कमीशन इन 1892, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डूरन कमीशन कब अपॉइंट किया गया था दोस्तों, 1892 में, और वो हुआ था लॉर्ड लैंसडाउन के रीजन में। इट डिफाइन द बाउंड्री नोन एज डूरन लाइन बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के बीच में दोस्तों डूरन लाइन खींची गई थी, जो कि आज के दिन में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। एज ऑफ कॉन्सेंट बिल 1891 विच इंक्रीज द मैरिजेबल एज विथ एफर्ट्स ऑफ सोशल रिफॉर्मर बहराम जी मालावाड़ी, इनके ही शासनकाल में दोस्तों पास किया गया था। आगे देखते हैं, लॉर्ड एल्गिन टू के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इन 1896 फेमिन टुक प्लेस ऑल ओवर इंडिया। लायल कमीशन वॉज अपॉइंटेड आफ्टर फेमिन। लॉर्ड कार्जन की बात कर लेते हैं दोस्तों, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899 इन्हीं के शासनकाल में पास हुआ था। द इंडियन कॉइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट 1899 इन्हीं के शासनकाल में पास हुआ था। ए कमीशन वॉज अपॉइंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मॉनक्रिफ टू इन्वेस्टिगेट द बोल्ड क्वेश्चंस ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के बारे में, इरिगेशन के रिगार्डिंग बोल्ड जो जो क्वेश्चंस उठकर आ रहे थे, उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए मॉनक्रिफ के अंडर एक नया कमीशन सेटअप किया गया था। A famine commission was appointed under the chairmanship of Sir Anthony Macdonald. Sir Anthony Macdonald के अंडर में एक famine commission भी establish किया गया था। Appointed a commission under Sir Thomas Raleigh in 1902 to suggest reforms regarding universities on its recommendation of the Indian University Act 1904 was passed. Ancient Monument Act दोस्तों 1904 में पास हुआ था। 1904 में यंग हस्बैंड एक्सपीडिशन सेंट अगेंस्ट टिबेट, टिबेट के अगेंस्ट दोस्तों हस्बैंड कमीशन, यंग हस्बैंड कमीशन 1904 में भेजा गया था। पार्टीशन ऑफ बंगाल डिक्लेयर्ड हो चुका था 1905 में। इंपीरियल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वॉज सेटअप। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एट पूसा इन बिहार। दोस्तों ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बिकॉज हिज कॉन्ट्रोवर्सी विथ किचनर। दोस्तों किचनर के साथ इनकी कॉन्ट्रोवर्सी की वजह से इनको रिजाइन करना पड़ा था अपने ऑफिस से। द कॉन्ट्रोवर्सी वॉज पॉपुलरली नोन एज कार्जन किचनर कॉन्ट्रोवर्सी ओवर द डिफेंस बजट।
लॉर्ड मिंटो टू के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। 1906 में दोस्तों मुस्लिम लीग फाउंड हुआ था आगा खान के द्वारा ढाका में। सूरत स्प्लिट, सूरत का सेशन कांग्रेस का यही इन्हीं के शासनकाल में दोस्तों हुआ था 1907 में। और स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि स्प्लिट ऑफ कांग्रेस किस सेशन में हुआ था, कितने साल में हुआ था, किस वायसराय के रीजन में हुआ था, ये आपसे पूछा जाता है। और उस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे दोस्तों? राज बिहारी घोष। ठीक है। मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स और द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड एल्गिन टू के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। इन्हीं के शासनकाल में पार्टीशन ऑफ बंगाल एन्यूल हो चुका था, यानी कि उसको बातिल कर दिया गया था, यानी कि उसको कैंसिल कर दिया गया था। कैपिटल शिफ्टेड टू दिल्ली, कलकत्ता से कैपिटल को दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया था। 1911 के 23 दिसंबर को हार्डिंज के ऊपर एक बॉम्ब थ्रो हुआ था। 1912 में एक इशलिंगटन कमीशन ऑन सिविल सर्विस कंस्टिट्यूट हुआ था। 1914 में दोस्तों फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज ओपन एट देहरादून। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करते हैं दोस्तों। साउथ अफ्रीका से गांधी जी इन्हीं के शासनकाल में लौट आए थे। सत्याग्रह पालन किया गया था गांधी जी द्वारा चंपारण में 1917 में, अहमदाबाद में 1918 में और खेड़ा में 1918 में। होम रूल लीग फॉर्म किया गया था 1916 में। लखनऊ सेशन हुआ था और रियूनियन ऑफ कांग्रेस हुआ था 1916 में। फाउंडेशन ऑफ फर्स्ट वुमेन्स यूनिवर्सिटी एट पुणे इन 1916 बाय महर्षि कार्वे। महर्षि कार्वे द्वारा दोस्तों पहली वुमेन यूनिवर्सिटी पुणे में 1916 में फाउंड किया गया था। अगस्त डिक्लेरेशन बाय मॉन्टेगू इन 1917। आगे देखते हैं। मॉन्टेगू रिफॉर्म्स और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। सैडलर कमीशन ऑन एडुकेशन इन 1917, रॉलट एक्ट इन 1919 एंड और दोस्तों जालियनवाला बाग के हत्याकांड भी 1919 में हुआ था अमृतसर में। फॉर्मेशन ऑफ खिलाफत कमिटी एंड लॉन्चिंग ऑफ खिलाफत मूवमेंट दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड के रीजन में हुआ था। इन 1920 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वॉज फॉर्म्ड। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दोस्तों 1920 में फाउंड किया गया था। ठीक है। लॉर्ड रीडिंग के बारे में बात करते हैं दोस्तों। मोपला रेविलियन केरला में 1921 में इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। चौरी चौरा का इंसिडेंट हुआ था जिसके दौरान नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी द्वारा स्थगित कर दिया गया था 1922 में। एक रेजोल्यूशन पास हुआ था दोस्तों साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन को होल्ड करने के लिए आईसीएस की रिगार्डिंग इंग्लैंड एंड इंडिया फ्रॉम 1923। आगे देखते हैं दोस्तों। इन 1924 ली कमीशन ऑन सिविल सर्विसेज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। 1924 में दोस्तों ली कमीशन अपना सिविल सर्विसेज का रिपोर्ट सबमिट किया था। ऑन जून 1925 स्कीम कमिटी अपॉइंट किया गया था एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियंस इन द आर्मी के रिगार्डिंग। ऑन 22 अगस्त 1925 विजय पटेल इलेक्टेड एज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक सवाल है। लेजिस्लेटिव असेंबली की पहली फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट कौन थे? तो दोस्तों आप बोलोगे विजय पटेल इज द राइट आंसर। लॉर्ड आर्विन की बात करते हैं दोस्तों, जिनको पॉपुलरली क्रिश्चियन वायसराय कहा जाता था। साइमन कमीशन की अपॉइंटमेंट इन्हीं के रीजन में हुआ था 1927 में। बटलर कमीशन 1927 में अपॉइंट किया गया था। स्टैब्लिशमेंट ऑफ बेटर रिलेशंस बिटवीन इंडियन स्टेट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग। कॉन्वीनिंग ऑफ द ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस इन दिसंबर 1927 बाई स्टेट्स पीपल लॉर्ड आरविन के शासनकाल में हुआ था। ऑन 31 अक्टूबर 1929 लॉर्ड आरविन अनाउंस दैट द गोल ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी वॉज अटेन ऑफ डोमेन स्टेटस बाई इंडिया। दोस्तों बहुत ध्यान दीजिए, 1929 के 31 अक्टूबर को लॉर्ड आरविन ने ये अनाउंस कर दिया था दोस्तों
कि ब्रिटिश पॉलिसी का रियल गोल यही है कि डोमिनेंस स्टेटस बाय इंडिया को अटेन कर सके। 1930 के 12 मार्च दोस्तों गांधी जी द्वारा दांडी मार्च स्टार्ट किया गया था और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी इनॉगरेट हुआ था जॉर्ज फाइव के द्वारा लॉर्ड आरविन के रीजन में। आगे देखते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं लॉर्ड विलिंगटन के बारे में। इन्हीं के शासनकाल के दौरान गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। हराम से मैकडोनल्ड द्वारा अनाउंस किया गया था कम्युनल अवार्ड और गांधी जी ने अनटू डेथ एक फास्ट स्टार्ट किया था यारवेदा प्रिजन में। ठीक है दोस्तों, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी इन्हीं के रीजन में इन्हीं के शासनकाल में इनॉगरेट किया गया। दोस्तों आचार्य नारायण देव के द्वारा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में सेटअप किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी पब्लिश हुआ लॉर्ड विलियमटन के शासनकाल में। दोस्तों ऑल इंडिया किसान सभा 1936 का इन्हीं के शासनकाल में सेटअप हुआ था। लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में बात करते हैं दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन्हीं के शासनकाल में शुरू हुआ था। मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड डिलीवरेंस डे ऑन 1939 सेकेंड 22 दिसंबर। दोस्तों मुस्लिम लीग अपना डिलीवरेंस डे सेलिब्रेट किए थे 1939 के 22 दिसंबर को। ये दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है। नेताजी ने फॉरवर्ड ब्लॉक सेटअप किया था 1939 के 3 मई को। क्रिप्स मिशन इंडिया आया था 1942 के 22 मार्च को। और दोस्तों क्विट इंडिया मूवमेंट भी लिनलिथगो के शासनकाल में शुरू हुआ था। लॉर्ड वावेल के बारे में बात करते हैं दोस्तों, कैबिनेट मिशन कम टू इंडिया ऑन 1946 24 मार्च। कैबिनेट मिशन दोस्तों लॉर्ड वावेल के वक्त पर इंडिया आया था। द हेड ऑफ द कैबिनेट मिशन वॉज पैथिक लॉरेंस। दोस्तों ये आपसे पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन की हेड कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे उनके हेड। दोस्तों 1946 के 2 सितंबर को एक इंटर गवर्नमेंट को सेटअप किया गया था। डायरेक्ट एक्शन डे सेलिब्रेट किया गया 1946 के 16 अगस्त को। और दोस्तों इंडियन नेवल के द्वारा 1946 के 18 फरवरी को एक म्यूटिनी घोषित किया गया। आईएनए ट्रायल्स बिगन हुआ इन्हीं के शासनकाल में। लॉर्ड माउंटबेटन की बात करते हैं दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन ही थे हमारे इंडिया का क्राउन रूल के अंदर होने वाला लास्ट वाइसरॉय। दोस्तों इन्हीं को इंडिपेंडेंस के बाद पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया का ओहदा मिला। ठीक है दोस्तों, माउंटबेटन प्लान को एडॉप्ट किया गया था 3 जून ऑफ 1947 में। 1947 के 27 मार्च को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान डे ऑब्जर्व किया था। और दोस्तों 1947 में ही इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को पास किया गया। और दोस्तों बंगाल और पंजाब के अंडर रैटक्लिफ द्वारा दोनों बाउंड्री कमीशन को सेटअप किया गया था माउंटबेटन के अंडर। तो दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन से ही खत्म होता है हमारे वाइसरॉयज का लिस्ट। अब दोस्तों हम देख लेंगे एमसीक्यूज जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे और आने वाले कई एग्जाम्स तक आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, हु पास द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट। दोस्तों ये हमने अभी पढ़ा था, इसका ऑप्शंस दिया हुआ है दोस्तों, लॉर्ड मायो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड बेंटिंक या लॉर्ड डाफरिन। तो दोस्तों लॉर्ड रिपन हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे देखते हैं दोस्तों, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 वॉज पास्ड बाय। दोस्तों 1881 का फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट किसके द्वारा पास किया गया? दोस्तों हियर आर द ऑप्शंस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डालहौसी या लॉर्ड रिपन। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। आगे देखते हैं दोस्तों, विच गवर्नमेंट जनरल वॉज असैसिनेटेड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। दोस्तों ये भी हमने पढ़ा था,
ये भी दोस्तों हमने पढ़ा था, आंदामान में उनकी हत्या की गई थी। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर मुझे बता देना, मैं देख लूंगा, मैं हर एक का क्वेश्चन हर एक का कमेंट चेक कर लूंगा। हु वॉज द वाइसराय ऑफ इंडिया व्हेन क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन 1942। क्विट इंडिया मूवमेंट जब शुरू हुआ था उस वक्त इंडिया के वाइसराय कौन थे? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, लिनलिथ को, वेलिंगटन, डाफरिन या मिंट। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा लिनलिथ को। आगे देखते हैं, हु अनाउंस्ड क्वीन विक्टोरिया एज द क्राउन ऑफ इंडिया। किसने क्वीन विक्टोरिया को क्राउन ऑफ इंडिया घोषित किया था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड लीटन या लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लीटन। ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल गवर्नमेंट। फाइनेंशियल गवर्नमेंट का डिसेंट्रलाइजेशन किसका पहला अटेम्प्ट था? रिपन, मायो, कार्जन या लीटन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मायो। आगे देखते हैं, हु बिकम वाइसराय आफ्टर लॉर्ड आरविन। लॉर्ड आरविन के बाद दोस्तों किसने किसका अपॉइंट हुआ था एज अ वाइसराय? लॉर्ड वावेल, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड वेलिंगटन या लॉर्ड डाफरिन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, ड्यूरिंग हुज रीजियन द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज अनाउंस्ड। किसके रीजियन में बंगाल का पार्टीशन को अनाउंस? तो दोस्तों ये सबको पता होगा, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कार्जन, वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड वेलेस्ली। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कार्जन। आगे देखते चलिए, ड्यूरिंग हिज रीजियन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड। ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, लॉर्ड डाफरिन, लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड मिंटो या फिर लॉर्ड हार्डिंग्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डाफरिन। आगे देखते चलिए, मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड एट। मुस्लिम लीग कहाँ पर फॉर्म हुआ था दोस्तों? कोलकाता, ढाका, लाहौर या पंजाब। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ढाका। चलिए आगे देखते हैं, हु पास वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। दोस्तों किसके द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया गया था? रिपन, लीटन, हार्डिंग या कार्जन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लीटन। आगे देखते चलिए, द यंग हस्बैंड मिशन वॉज सेंट टू तिब्बत बाय। किसके द्वारा यंग हस्बैंड मिशन को तिब्बत के अगेंस्ट सेंड किया गया था? रिपन, मिंटो, मायो या कार्जन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कार्जन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हु वॉज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया? लॉर्ड डालहौसी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, सूरत स्प्लिट टुक प्लेस इन द ईयर। कौन से ईयर में सूरत स्प्लिट हुआ था? 1905, 1906, 1907 या 1908। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1907। ठीक है दोस्तों, हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, मॉडलेम इंटू एक्ट वॉज पास इन विच ईयर। मॉडलेम इंटू एक्ट को किस ईयर में पास किया गया था? दोस्तों 1908, 1909, 1910 या फिर 1911। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1909। ठीक है दोस्तों, यहीं पर खत्म होता है हमारा वायसराय का। इस वीडियो में हमने डिटेल में हर एक वायसराय के बारे में बात किया और आखिर में देखा हर एक एमसी। दोस्तों अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारे चैनल में मैथ शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप जाके चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।